बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली शराब और आप देख रहे हैं अमेजिंग स्किल्स ए एंड एस। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही प्रोफेशनल और टेक्निकल होने वाली है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि होंडा 125 का जो फुटरेस्ट बार होता है, फुटरेस्ट बार उसको किस तरीके के साथ मैनुफैक्चर किया जा रहा है, किस तरीके के साथ आपको बनाया जा रहा है। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं आपको किस चीज़ के बारे में समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने जो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं आपके, उनमें लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लड़कों को यानी कि लोगों को नॉलेज हो कि क्या चीज़ किस तरीके से मैनुफैक्चर की जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप जो है हमारा ये है, ये एक लोहे का रॉड है, इसको हम सरिया भी कह सकते हैं, काफ़ी मोटा होता है ये, ठीक है। ये मार्केट से इधर फैक्ट्री में लाया जाता है, यानी कि मार्केट से परचेज़ किया जा रहा है। यहाँ पर इसकी कटिंग नहीं की जा रही, कटिंग बिल्कुल सिंपल सी होती है। आपको पता ही है कि कटर के ऊपर इसको आराम से कटिंग कर दिया जाता है, लेकिन ये कटिंग हुआ ही मार्केट से इधर आता है फैक्ट्री में, फिर यहाँ पर ला के प्रेस जितने भी इसके स्टेप्स हैं वहाँ पर रेडी इसको किया जाता है। माशाल्लाह, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके के साथ यानी कि इसको प्रेस के ऊपर प्रेस किया जाता है। तो ये देखें, मैं आपको ठीक एक बार ही दिखा दूँ, ये आप वहाँ से जो माल यहाँ पर आ चुका है, तो ये देखें जी किस तरीके के साथ माशाल्लाह जो प्रेस एक डाई बनी हुई है इसकी, किस तरीके के साथ वो इसको पंच कर रही है और एक फुटरेस्ट की शक्ल में यानी कि हमारे पास जो एक्सल है वो आ रहा है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ यानी कि यहाँ पर काम किया जा रहा है, प्रोफेशनल तरीके के साथ यानी यहाँ पर काम हो रहा है। तो दोस्तों, ये देखें जी प्रेस जो है माशाल्लाह बिल्कुल हमारा जो एक शेप आ चुकी है, आपको नज़र ही आ रहा होगा। माशाल्लाह, बेहतरीन किस्म के साथ ये जो मशीन है काफ़ी यानी कि ज़बरदस्त तरीके के साथ यानी कि काम कर रही है। दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो ये है, यहाँ पर आप देखते होंगे नीचे जो चार बोल्ट लगे होते हैं, जिस तरीके यानी कि जिसके ज़रिए जो फुटरेस्ट बार होता है उसको कसा जाता है, नीचे से उसकी कसाई की जाती है, उसकी फिटिंग की जाती है। तो ये बोल्ट की पतरियाँ होती हैं, यहाँ पर ला के वो उसकी प्रेस के ज़रिए इसको रेडी किया जाता है। तो पतरियाँ भी इसी तरह ही प्रेस से निकाली जाती हैं, फिर इसके बाद इनको इस तरीके के साथ बेंड किया जाता है। तो ये देखें दोस्तों, आपने अक्सर देखा ही होगा इसको पकड़ के भी हाथ में, जो जो बाइकों के बारे में जानते हैं, जो जो यानी कि बाइक के पार्ट्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ होती है, तो उनको नज़र आ ही रहा होगा, उनको समझ आ रही होगी। तो ये देखें, उधर से जब प्रेस हो जाता है तो फिर दोबारा एक और प्रेस पर आ जाता है। ये देखें, ये बिल्कुल प्लेन है, आप देख ही रहे होंगे इसके साइड पे कोई होल्स नहीं है, एक पतरी होती है उसको डाई के ज़रिए प्रेस कर दिया जाता है। बीच नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर बाइक के पास लाया जाता है, यहाँ पर ला कर इसके साइड वाले आप अक्सर सुराख देखते होंगे। ये देखें, अब इसमें साइडों पर दो सुराख किए जा रहे हैं, यानी कि जब बोल्ट लगता है आप देखते होंगे जब इसकी कसाई होती है। अभी इसमें यानी कि आके थोड़ा सा हमारा स्टेप रह गया इसको कंप्लीट होने में। तो ये देखें, यहाँ पर ला के यानी कि इसके इसमें पतरी के सुराख किए जा रहे हैं। ये देखें, एक प्लेन है और एक में सुराख हो गए हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त प्रोफेशनल तरीके के साथ यानी कि यहाँ पर काम किया जा रहा है। जेन्युइन पार्ट्स यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, लोकल पार्ट्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं तैयार हो रहे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो तो हमें फीडबैक लाजमी दिया करे, कमेंट हमें लाजमी किया करे, इससे हम अप्रिशिएट होते हैं, हमें पता होता है कि हम यार अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप पूरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन बाद में जब आप कमेंट नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर ला कर इसकी वेल्डिंग की जा रही है, यहाँ पर ला कर जो पार्ट्स टोटल आ जाते हैं फिर उसके बाद असम्बल किया जाता है। यहाँ पर एक एक्सल के ऊपर रख के उसकी जो एक फिटिंग बनाई जाती है इसके साथ, यानी कि इसी के साथ आपको मैं बताता हूँ कि जो सिंगल स्टैंड होता है मोटरसाइकिल का, जब हम सिंगल स्टैंड पे मोटरसाइकिल को लगाते हैं इसी के ऊपर वो लगा होता है। एक पतरी के साथ वेल्ड की जाएगी और साइटों पे दो छोटी छोटी स्पोर्ट्स इसके साथ वेल्ड की जाएंगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको साइटों पे दो स्पोर्ट्स नज़र आ रही हैं छोटी छोटी, यानी कि जब जो रबड़ लगाया जाता है इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसके ऊपर हम पाँव रखते हैं, तो ये रबड़ यानी कि बाहर नहीं आता ये स्पोर्ट्स के ज़रिए। तो सब इस तरह इसके यानी कि एक स्केच इन्होंने बनाया हुआ है, इसके अंदर इसको लगा दिया जाता है। तो ऊपर वो स्टैंड की पतली वो वेल्ड कर दी जाती है और नीचे जो दो बोल्ट की जो दो पतलियाँ होती हैं उनको वेल्ड कर दिया जाता है। तो इस तरीके के साथ यानी कि फुटरेस्ट बार जो है कंप्लीट हमारा हो जाता है। छोटी सी ये वीडियो थी लेकिन वीडियो प्रोफेशनल थी, वीडियो इंटरेस्टिंग थी, इस वजह से आपके साथ शेयर की है ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ किस तरीके के साथ बनाई जा रही है। तो एक स्टेप हमने इसमें मिस किया, वो है इसके कलर का काफ़ी लेंथी स्टेप है। तो ये देखें जी,
जो फुटरेस्ट बार हुआ है हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर इसको कलर किया जाएगा। कलर मैं आपको बता दूँ प्रोफेशनल तरीके के साथ यहाँ पे कलर किया जा रहा है। कलर का जो प्रोसेस है काफ़ी थोड़ा सा लेंथी है हमारा, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं रहा प्रोसेस, वो जो काफ़ी लेंथी है यानी कि जेन्युइन पेंट्स होता है। मेरी अगर दूसरी वीडियो आप देखेंगे आपको पता लगेगा किस तरीके के साथ कलर किया जाता है। तो कलर होने के बाद यहाँ पर ला दिया जाता है, यानी कि जो कंप्लीट हो जाता है हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर लाकर इसकी पैकिंग की जाती है। पैकिंग करने के बाद आपको पता है फिर मार्केटों में चला जाता है। ये माशाल्लाह ये पाकिस्तान के होलसेल डीलर हैं, काफ़ी बड़े माशाल्लाह, काफ़ी जगहों पर पूरे पाकिस्तान में यानी कि आप कह सकते हैं इनका माल ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये वीडियो थी दोस्तों मेरी स्पेशल एक आपके लिए, ताकि आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं दिखा सकूं, नॉलेज हो सके आपको कि क्या चीज़ किस तरीके के साथ बनाई जा रही है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।